नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबर। सरकार और किसानों के बीच पराली जलाने और बिजली बिल को लेकर समझौता हो गया है, हालांकि एक मौखिक समझौता है। केंद्र सरकार इस पर तब तक आगे की कार्रवाई नहीं करेगी जब तक किसान संगठनों के दूसरे मुद्दों का हल नहीं निकल जाता है। द हिंदू अखबार को कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को किसानों के साथ हुई बातचीत में सैद्धांतिक रूप से सरकार मान गई है, अभी बातचीत चल रही है, एक बार अंतिम फैसले पर पहुंच जाएं तो टाइमलाइन वगैरह पर चर्चा होगी। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक है। 4 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बैठक से पहले किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इन दोनों रास्तों से दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद की ओर लोग आते जाते हैं। फिलहाल हाईवे पूरी तरह बंद है और लोगों से DND रूट लेने की सलाह दी जा रही है। नए साल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा है कि नए साल पर हम उन्हें याद करते हैं जिनको इस साल हमने खो दिया और उनका आभार जताते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। मेरा दिल उन किसानों और मजदूरों के साथ है जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी और 15 जुलाई तक नतीजे आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों से व्यापक स्तर पर राय ली गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रैक्टिकल 1 मार्च से शुरू होंगे। CBSE के पाठ्यक्रम को 30% तक कम किया गया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनके पास पर्याप्त समय है, वे मजबूत इच्छा शक्ति के साथ परीक्षा दें। शेयर बाजार ने नए साल का स्वागत हरे निशान के साथ किया है। हफ्ते के अंतिम दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 34 अंकों की बढ़त के साथ 47,785 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15 अंक की तेजी के साथ 13,996 पर खुला। आज निफ्टी ने फिर 14,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। कारोबार के दौरान बढ़ता हुआ सेंसेक्स 47,946 तक और निफ्टी 14,033 तक पहुँच गया है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में करीब 903 शेयरों में तेजी और 249 में गिरावट देखी गई। फाइजर और बायोनटेक की कोरोना वायरस की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मंजूरी मिल गई है। WHO ने इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। WHO ने कहा कि वह दुनिया भर में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वहां के देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा। वहीं भारत में आज ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। आज अधिकारियों की मीटिंग होनी है। इसी के साथ अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। चीन ने भी नए साल यानी 2021 की पूर्व संध्या पर अपने देश में विकसित कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसने वैक्सीन के ट्रायल के आंकड़े नहीं जारी किए हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर इसलिए कि क्या चीन ने यह दिखाने के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है कि वह पश्चिमी देशों से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में पीछे नहीं है। जब वैक्सीन विकसित की जा रही थी तो चीन की वैक्सीन दुनिया में सबसे अव्वल रहे देशों में थी, लेकिन अब जबकि फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है तो चीन की सरकार ने भी अपने देश में विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चीनी सरकार ने गुरुवार को कहा है उसने यह मंजूरी क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों के शुरुआती विश्लेषण में वैक्सीन के करीब 79% प्रभावी होने के बाद दी है। चीन में जिस वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसे चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ने तैयार किया है। भारत में पिछले एक दिन में 20,035 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 256 मरीजों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल 1,02,86,000 के पार मामले हो गए हैं। मृतकों की संख्या भी 1,48,994 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,54,000 से अधिक हैं। न्यूजीलैंड के कैप्टन कूल केन विलियमसन ICC टेस्ट रैंकिंग में स्मिथ और कोहली को पछाड़कर शीर्ष पर आ गए हैं, जिसके बाद केन विलियमसन ने कहा कि विराट कोहली और स्टीव स्मिथ मुझसे श्रेष्ठ हैं, उन जैसे खिलाड़ियों से आगे निकलना हैरानी भरा और सुखद भी है। बता दें विलियमसन को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की 101 रनों से जीत के दौरान 129 और 21 रन बनाए, जिससे उन्हें 13 रेटिंग अंक मिले और वे 890 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर आ गए हैं। कोहली 879 दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।